एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल. फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग. सो करंटली इट इज़ 5:30 इन द मॉर्निंग. नाउ द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, लुक वार्म वाटर. सो लेट्स गो. Now it is 7:30 and I got freshened up. Now I will go downstairs for my breakfast. So let's go with me. For the breakfast we have this normal bread butter jam, we have this mausumi juice along with cornflakes, cold milk, hot milk, then we have this boiled egg here. After that we have this samaiya and we have masala dosa along with the chutney and sambar for sure. Next we have this white chutney and idli. मस्ट भी थिंकिंग कि मैं ब्रेकफास्ट करने यहाँ से दूसरे बिल्डिंग क्यों गई थी. सो स्टे इस बिल्डिंग में, बट जो ब्रेकफास्ट का बूफे लगता है वो सेकेंड बिल्डिंग में लगता है. बहुत पास है, लाइक 1 मिनट का भी डिस्टेंस नहीं है. ओके जी, सो अपडेट ये है कि मैं मेरा ब्रेकफास्ट करके रिटर्न आ गई थी बाय 8 आई गेस 8, एंड उसके बाद मैं थोड़ा बहुत रील स्क्रॉल कर रही थी, टाइम पास कर रही थी. सो करेंटली इट इज़ अराउंड 9 समवेयर. सो अब मैंने सोचा कि चलो भाई और टाइम वेस्ट नहीं करते, बिकॉज टुडे इज सैटरडे सो आई डू नॉट हैव टू गो टू द वर्क. एंड मैंने सोचा कि अलॉन्ग विद दिस लॉन्ग फॉरवर्ड वीडियो आई शुड शॉर्ट सम शॉर्ट्स वीडियो एज वेल.
सो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत रेडी हो गई हूँ, मतलब ब्लश अप्लाई किया है थोड़ा आईब्रो एंड लिपस्टिक, एंड नाउ आई विल शूट सम शॉर्ट्स वीडियो फॉर यू गाइस, सो लेट्स गो। तो अभी मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियो शूट किए एंड आई ऑल्सो अपलोडेड देम, तो मेरे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो से पहले आपको शॉर्ट्स ही देख लोगे फॉर श्योर। एंड अब मुझे लगी है भूख और अभी टाइम हो रहा है आई गेस 11, यस 11 समथिंग। तो अभी मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, सो चलो उसको खाते हैं। अच्छा जी, तो फ्रूट्स में आई हैव पोमीग्रेनेट्स, अनार एंड सम नॉट सम मेनी एप्पल्स, बट मेरे को एप्पल्स खाने का मन नहीं है, सो आई विल ईट। अच्छा ठीक है, चलो एक एप्पल ले लेते हैं एंड विल हैव वन पोमीग्रेनेट एज वेल। चलो जी फिर लग जाते हैं काम पे, आई हैव टू वॉश माई हैंड्स फर्स्ट। मैं अनार को ऐसे ही काटती हूँ, आई नो कि अनार काटने का भी ट्रिक होता है, बट वो भाई उतना ट्रिक मेरे से नहीं होता है। मैं तो इसको ऐसे ही फोर पार्ट्स में कट करती हूँ एंड देन इसकी जो भी होता है सीड्स उसको ऐसे निकाल लेती हूँ। एंड वन मोर थिंग, मेरे पास ना बहुत सारे बनानास थे ऐसे जो लाइक डेड होने वाले थे, कल की बात है ये, सो अगर एक और दिन मैं उसको रखती तो वो डेड हो जाते, और मेरे पास 6 to 7 ऐसे बनानास थे। सो मैंने क्या किया, मैंने रिसेप्शन में कॉल किया, पूछा कि इफ दे कैन यू नो यूज दैट बनानास टू मेक बनाना मिल्क शेक, एंड दे अग्रीड एंड दे मेड सम बनाना शेक। तो कल मैंने काफ़ी कुछ पिया था, बट क्योंकि वो 6 to 7 बनानास का था प्लस उसमें मिल्क भी था तो काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में था, सो मेरे पास काफ़ी बचा भी है, मैंने फ्रिज से निकाल के यहाँ रखा है, सो आई विल टेक दैट ऑल्सो। तो भाई यही है, अब देखती हूँ मैं इसको कितने टाइम में फिनिश कर सकती हूँ। नाउ आई विल सिट बैक एंड ईट माई फ्रूट पैलेट अलॉन्ग विथ माई फेवरेट टी वी शो तारक मेहता, सो लेट्स गो। आफ्टरनून अपडेट, सो मैंने फ्रूट्स लिए थे एट 11 और 11:30, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत टीवी देखा एंड जो शूट करने की वजह से रूम में मैंने पूरा कपड़ा वपड़ा फैलाया था उसको मैंने ठीक किया, अरेंज किया, थोड़ा बहुत पैक किया एंड अब बज रहे हैं 2 एंड मुझे लगी है वापस से भूख, सो मैंने जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया है फॉर माई लंच, सो आई विल हैव माई लंच नाउ। डोंट माइंड माई पजामास, एक्चुअली बहुत कुछ देखी तो मैंने सोचा कि आपको कम्फर्टेबल करना है। सो आई ऑर्डर दिस फ्राइड राइस एंड दिस सब्जी, लेट मी अनपैक इट, दिस इज हाउ माय लंच प्लेट इज लुकिंग एंड लेट मी ईट इट रियल क्विक, सी यू गाइस। Here at Aurum I have my friend with me, so Namita say hi to my vlog, hi. So yes, abhi kya I am new to vlogging, so I don't know what to say, but yeah, we met after how many years, years, sorry, I guess 2 years, no, no. Months, only 6-8 months. Okay, we met in Pune already. Yes, after few months only. But yes.